हा वन ओ सिक्स ट्वेंटी टू ये फिल्म पर जैसे कि हमने आपसे वादा किया था आज हमारे स्टूडियोज़ में एक हमारे खास मेहमान आए हुए हैं नाउ इन मेहमान का जो इनका जो इंट्रोडक्शन है ये भी हम आपसे कराएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि फिल्म एयर लिफ्ट जब रिलीज़ हुई और इसके बाद में ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में ये फिल्म छा गई सेंडी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो चीज़ें हुई थी नाइनटीन में और वो जो चीजें हुई थी शायद लोगों को इतना मालूम नहीं था मीडिया में जो दिखाया गया था तो काफी लोगों को तो अवेयरनेस में खुद को मुझे अवेयरनेस नहीं थी इस चीज के बारे में कि एक वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड बना है इतनी बड़ी इवेक्युशन हुई है बिल्कुल और आज उसी के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं और हमारे साथ में यहाँ पर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के राम अयर जी आए हुए हैं और इनसे हम बातें करना चाहेंगे राम अयर जी आपका हम स्वागत कर रहे हैं हमें नमस्कार देव नमस्कार सैंडी और शुक्रिया मुझे स्टूडियो में लेने के लिए हम के स्टूडियो में मैं पहली बार आया हूँ वेल आई थिंक ये प्लेजर हमारा है कि आप यहाँ पर स्टूडियोज में आए अब हम लोगों को बताते हैं आप सोच रहे होंगे कि यार एयरलिफ्ट से और राम अयर जी का क्या मतलब संबंध है बहुत गहरा संबंध है ऑफ कोर्स और आपने मतलब जिन लोगों ने फिल्में देखी है जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है उनको मालूम है कि जिस वक्त इराक ने किया था हमला कुवैत के ऊपर सदाम हुसैन के नेतृत्व में जब ये हुआ था तो उस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे एक लाख सत्तर हज़ार और उनमें राम अय्यर भी एक थे जो अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड में आकर बसे हुए हैं और आज उसी सिलसिले में रामेव जी हम आपसे बातें करना चाहेंगे कि उस टाइम पर जब आपको ये न्यूज़ मिली कि सदाम हुसैन के जो सैनिक है उन्होंने कोविड पर हमला कर दिया तो उस टाइम पर आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं नहीं बिल्कुल गॉट अ वेरी विविड मेमोरी लाइक हम मैं मैड बीन ऑन अ डेपटेशन थ्रू फेडर्स लॉयड जो इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है तो उनके कुवैत ऑफिस में डिपूटेशन के लिए गए थे आई लेफ्ट मुंबई एटी सेवेन तो तीन साढ़े तीन साल तक मैं था वहाँ पे एंड किस्मत बोलो या लाइक डेस्टिनी वॉट एवर यू कॉल इट आई वॉज टू लाइक द हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो गया था एंड वी वॉ जस्ट मैनेजिंग स्मॉल जॉब्स एंड वी हैड ओनली हैंड फुल ऑफ टीम मेम्बर्स तो हम लोग तकरीब कुछ तीस या पैंतीस ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे कपल ऑफ सुपरवाइजर्स एंड एस्टॉल वर्कर्स और uh, मैं छुट्टी में आने वाला था पंद्रह अगस्त को लाइक यू नो फॉर एंड देन गो बैक आफ्टर माई हॉलीडे आफ्टर अ मंथ और टू एंड दिस हैपन ऑन सेकेंड मॉर्निंग तो uh, और ऐसा हुआ कि लाइक like, हमको तो कुछ भनक भी नहीं पड़ी देर वॉज नो नॉइज़ और एनी थिंग लेकिन सुबह हम जब ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुए तो एकदम बार सन्नाटा था एंड लाइक यू नो वी हैड वन ऑफ आर ड्राइवर्स हु केम जस्ट टू टेल अस दैट एवरीथिंग हैज बीन कॉनर्ड ऑफ जो हमारा माँ का क्लोजेस्ट पेट्रोलियम प्लांट था वहाँ पे बम्बमेंट हुआ था दे मेजर डैमेज लकीली कोई आग तब लगी नहीं थी बट दूसरे रिफाइनरीज में भी वो अटैक शुरू हो गए थे एंड देन एवरी थिंग केम टू अ काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल पूरे सोल्जर्स ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड पॉइंट्स वगैरह कैप्चर कर लिए कु गवर्नमेंट ऑफिशल्स के जो जो थे उनको घर पर बंदी बना के लाइक यू नो इट वॉज लाइक यू यू प्रॉब्ली विल अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग बिकॉज वो इतने जल्दी हमको लाइक यू नो इट्स यू आर जस्ट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग लाइक दिस एंड सडनली आपको कोई आके बोलता है कि आप जा नहीं सकते सब बंद हो गया है बम्बारी शुरू हो गई है लाइक इट्स इट टोटली बिकेम लाइक अ वॉर जोन यू नो रास्ते में सब बिखरे पड़े थे एंड लाइक दे दे जस्ट ब्रोक एवरीथिंग विच वॉज वर्किंग थिलक यू नो दैट फ्यू आवर्स बिफोर द मॉर्निंग पूरा तोड़ फोड़ करके बैरिकेड्स लगा के सारा मेरे ख्याल में सारे रिफाइनरी वगैरह में पूरा कब्जा करा के ले लिया था बिग बिग अस तो जब ये हमला हुआ तो पहली चीज़ जब ये होती है कि कहीं पर भी अगर कोई हमला होता है मतलब इस तरह का क्राइसिस सिचुएशन होता है तो बंदा अपने अपने परिवार के बारे में सोचता है और किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्या आपने वो ऐसा किया सी कोशिश क्या सी वी कोड नॉट कॉन्टैक्ट एनी बडी क्योंकि टेलीफोन और वगैरह सब सब भी को जैम जैम कर दिया था सो दे वज़ नो मैसेजिंग नो अधर वे मैसेज और उस टाइम तो कोई मोबाइल फ़ोन और ये तो नहीं था यू हैड टू डिपेंड ऑन लैंडलाइन फ़ोन और हमारा जो कैम्प um, था जहाँ पे हम लोग रह रहे थे देर वॉज नो एक्सेस टू टेलीफोन सो इफ़ यू हैड टू गो टू दिल आई हैड टू टेलीफोन माई होम इधर आई टू गो टू माई ऑफिस विच वॉज इन दिटी और नज़दीकी कोई दुकान में जाके पी सी ओ टाइप में वहाँ से मुझे करना पड़ता था सो दैट एक्सेस वॉज ऑल्सो नॉट देयर क्योंकि गाड़ियाँ तो खैर सबको वो लोग बंदी मतलब दे नॉट अलाउविंग एनी बडी टू ड्राइव और एनी थिंग सो दुकानें तो वैसे भी बंद बंद ही थी सो ऑफिस वगैरह बंद थे सो वी वर लाइक काइंड ऑफ स्टक एंड वॉज नो नो वे वी हमने किसी से भी लाइक like, मेरे घर वाले तो छोड़ो हमारे हमारे साथ जितने भी थे जो गांव गांव में रहते हैं बिहार और बंगाल और वगैरह वगैरह में नो बड़ी गुड कॉन्टेक्ट एनी बड़ी और वैसे कईयों का ये भी हुआ था कि यू you नो know, घर में आकर तोड़फोड़ काफ़ी की थी ना बिल्कुल वो वो तो हुआ एंड वी विटनेस्ड आर सेल्फ इन आर कैंप के हमारा एक सेक्शन uh, में लाइक दे केम एंड took away stuff and we could not do or say anything. वो खाने पीने का खाने था? पीने का नहीं like you know the जो जो चल रहा था T V अच्छा। air conditioners and all that they were the just expensive cheesy all of a taken off आपका hmm. washing machine हुआ या cooking range हुआ so all that was uh, taken away like you know there was no uh, this thing क्योंकि end of the day उनको वो बेच के पैसे जो भी करने थे and virtually जब हालात हमको ऐसे हुई कि हमारे पास भी राशन फिर कम होने लगे बिकॉज दिस वेंट ऑन फॉर डेज कोई देर नो एंड टू इट तो हमको भी वही करना पड़ा कि कुछ सामान उन्हीं को बेच के पैसा बना के उस पैसे से कहीं भी अगर थोड़ी बहुत दुकान एक आध घंटे के लिए खुल जाती थी तो वहाँ से कुछ हम सामान लेके आते थे बट लकीली सिंस वी वर स्टेइंग इन द कैम्प वी हैड

एंड आई थिंक जब लोग सब एक साथ इकट्ठे हो जाते है, तो वो दैट वॉज दैट वॉज मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ वॉट प्रिसाइसली हमने फिर डिसाइड किया कि कोई भी कहीं भी जाएगा तो सब पूरे एक साथ जाएंगे कोई अकेला बंदा कहीं बाहर नहीं जाएगा बिकॉज देन यू ऑलवेज हैड दैट फियर कि क्या हो गया क्योंकि फिर उसके बाद किसी और को uh, हम नहीं बेच सकेंगे ओ, उनको ढूंढने के लिए सो वी ऑलवेज बैंड कलेक्टिवली और लाइक यू नो दोनों या तीनों सुपरवाइजर अकेले कभी जाएंगे नहीं क्योंकि वर्कर वर फीलिंग नॉट सो श्योर शॉर्ट तो कोई एक बंदा दो तीन वर्कर को लेके फिर जाए अपना काम करें एंड सो इट वॉज हेल ऑफ अ टाइम लाइक यू नो कभी आई एम पॉसिबली लाइक यू नो द ब्लेस्ड वन और लकी के आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म आपने नहीं देखी होगी जी बिल्कुल अभी तक तो नहीं देखी लेकिन एल फिल्म जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस फिल्म ने कई लोगों की आंखें खोल दी है मतलब दुनिया भर के लोगों को पता चला कि व्हाट दिस इवेक्यूशन वाज करेक्ट क्योंकि सी आज का अगर मैं बोलूं कि आज का जनरेशन लाइक यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स ऑफ टुडे दे पॉसिबली विल नॉट नो अबाउट इट एट ऑल वो दो आर ऑफ माय एज एंड लाइक यू नो पॉसिबली मेरे जैसे होंगे शायद न्यूजीलैंड में बसे होंगे और यार ऑस्ट्रेलिया और सम वेर हुल कनेक्ट एंड दैट इज़ वाई वैन द फिल्म केम आउट आई वाज टॉकिंग टू माई फैमिली एट होम मैं बोला कि मुझे जाके देखना है बिकॉज आई वॉज सॉरी आई बीन पार्ट ऑफ दिस है न दिस इज समथिंग आई विटनेस्ड आई हैव एक्सपीरियंस दैट पेन दट क्या बोलते हैं जो मौत को एकदम से करीब से, से, देख से देखा है बिल्कुल यू no? नो वो एक चीज मतलब जो आप अभी बोल रहे हैं मतलब जरूर हम उसको फील तो नहीं कर सकते लेकिन हम समझ जरूर सकते हैं कि आपके चाहने वाले आपके परिवार वाले हैं लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते आप एक सिचुएशन में हैं वो भी कुछ घंटों वाली सिचुएशन नहीं होती है जो मतलब कई दिनों तक चली और ये पता नहीं कितने दिन तक चली नहीं और वो भी हुआ लाइक वंस आई केम बैक होम केम बैक होम तो बाद में की बात है मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट से जब घर पे फ़ोन किया तब मेरी मम्मी को तो शी कुड नॉट बिलीव लाइक यू नो तो उनको लगा कि इसका लाइक like, अब पता नहीं एंड देन मोर टू फैक्ट दैट न्यूज़ वगैरह में जो दिखा रहे थे एक इट सीम्स के जब मेरे दीदी और मदर ने बाद में मुझे बताया डैडी ने भी बताया कि आफ्टर अ सर्टन टाइम दे स्टॉप वॉचिंग न्यूज़ तो सो वैन आई कॉल्ड अप लाइक यू नो उनको तो पहला कुछ टाइम लगा टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये आया है लाइक यू नो देन आई हैगेन आई आम एट बॉम्बे एयरपोर्ट द फर्स्ट थिंग दे आस्ट लाइक वेयर आर यू लाइक यू नो तो सो दैट देट पार्ट वॉज इट इज ऑफ द डेट राम जी आप ये बताइए कि जब वहाँ पर आप इतने दिन रहे मतलब शुरू शुरू में आपको वहाँ से जाने का मौका मिला था क्या मतलब क्या आप वो डिसीशन ले सकते थे आप सन्या पोजिशन पर थे आपके नीचे भले ही इंडियन कर्मचारी थे मतलब अगर आप जाना चाहते उस टाइम पर लोगों को पैसे देकर हर एक चीज़ अगर सकते? जाना चाहता तो किसी भी तरह लाइक आप ये बोल सकते हैं कि आई कोड़ा बिकम अ रेस्पॉन्सिबल अपने को और सेल्फिश एंड सेट ठीक है मेरे को मेरी जान बचानी है या बाकी लोग का थोड़ी मैंने uh, लिया हुआ है लाइक यू नो जिम्मेदारी बट आई वी डिड नॉट डू देट आई वुड से आई आई वुडन से आई लाइक कलेक्टिवली हमारे साथ जो दूसरे सुपरवाइजर थे वी ऑल कलेक्टिवली डिजाइडेड के अगर जाएंगे तो सब विकटे जाएंगे एंड फिर जो भी होगा लाइक यू नो विच वे इट गोस लाइक बट एक था कि किसी भी तरह लाइक वंस वी गैदर्ड लाइक जब सब जुट गए थे एक साथ तब हमको भी थोड़ा एक, एक क्या बोलते हैं हिम्मत आई mm -hmm. कि हाँ चलो जाते हैं देखते हैं क्या लाइक यू नो वॉट नेक्स्ट अभी जो यहाँ बैठे फंसे रहने से एटलीस्ट टिल द टाइम यू डोंट मेक एन यू डोंट नो तो वहाँ से आप निकले कैसे मतलब वो सफर आप बताइए किस तरह से आप अपने जो लोग थे मतलब तीस तैतीस लोग जो भी थे आप उनके साथ में आप कैसे निकले एक तरफ एक बड़ा ग्रुप है जो लोग स्कूल में थे जो शायद फिल्म में दिखाएंगे जो आप देखेंगे जहाँ पर ज्यादा काफी, तो काफी लोग थे वहां पे एंड hmm. हु हेल्प दोज पीपल टू स्टे देयर एंड प्रोवाइड फूड एंड अदर थिंग्स एंड उन्होंने वो भी की कि उन बहुत जनों को वहाँ से निकाला लाइक यू नो बाई प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सो दैट दे कैन गेट बैक टू देयर फैमिलीज हमारे में ये था कि और जनरली गल्फ में यही होता है लाइक अनलाइक यूर वैन यू कम ऑन अ वर्क पीजा समथिंग यू यू स्टिल होल्ड ये पासपोर्ट यू नो वहाँ पर क्या होता है बिकॉज द लोकल कंपनी स्पॉन्सर्स यू यू हैव टू सर डे पासपोर्ट टू दे विच इज़ देन केप्ट इन द ऑफिस हमारा केस में ये हो गया कि हमारा ऑफिस में हमारे पासपोर्ट रह गए लाइक वी हैड नो पेपर्स इवन टू मूव आउट फ्राम द कंट्री बिकॉज ना वैन यूर यू आर गोइंग क्रॉस कंट्री लाइक यू नो तो फिर हमको एक दिन वो करना था कि जाके पहले ऑफिस में फिर उस बंदे को किसी भी तरह दूसरे सुपरवाइजर ने कॉन्टैक्ट करा Uh, जो uh, उनको मोहम्मदिया ऐसा कुछ बोलते हैं हु इज़ इन चार्ज फॉर आर दिस थिंग वो किसी भी तरह उसने बोला कि वो उसके पास ऑफ़िस की चाबी नहीं है तुमको जाना है तो वहाँ जाके किसी भी तरह निकाल लो बट इसके उसमें है फिर ऑफिस में जाके तोड़ थाड़ के हमने वो निकाला अभी चक्कर ये था कि एक बार तोड़ दिया ऑफिस तो वो तो खुला है सो एनी बडी कैन गो एंड और वही हुआ कि हम लक्की हैं कि हमको हमारा पासपोर्ट निकालने को मिला कि जब तक हम नीचे आ रहे थे तब दूसरा ग्रुप अंदर घुस गया था और तोड़ फोड़ के बाकी के जो सामान बट वी लक वही बोलता हूँ ना हर दुख में एक सुख या वट एवर यू सेड दैट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमको वहाँ से निकल के वो मिला एंड फिर हमने बिकॉज वी डेंट हैव मनी क्योंकि हमारा पेमेंट नहीं हुआ था लाइक देर वी यूज टू गेट पेड एवरी फोर्थ नाइट तो वो पेमेंट नहीं हुआ था एंड लाइक वी वो काइंड ऑफ स्टक फॉर एवरी थिंग तो हमको भी वही करना पड़ा कि हम कुछ सामान जो कंपनी का ही सामान था जो जैसे कि एयर कंडीशनर हुआ ये हुआ वो हमको बेचना पड़ा एंड वी कलेक्टेड मनी बिकॉज वी नीडेड मनी सो मच टू टेक अ स्टिल जॉर्डन बाय हायरिंग अ बस और वो भी वो बंदे को ऐसे पैसे देने पड़ते थे जो वो मांग रहा था इट वॉज नॉट दैट सिचुएशन वेर यू कुड बाग एन और डू एनीथिंग हमको तो उस टाइम में तो मुँह मांगी कीमत पड़ी बस बस <laughs> वो ही था सो वन नाइट और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट पूरा हमने रात को निकला वहाँ से एंड रात रात के इसमें एंड लकीली फॉर अस वो ड्राइवर भी सेंसिबल बंदा था वो ना के मेन मेन रास्ते से ना ले जाके हमको बाई लेंस और इसमें जिसमें सिक्योरिटी चेक्स कम हो वैसे वी टुक अ डे मोर बट प्रॉपर्ली दैट वाज अ सेफेस्ट थिंग टू डू डे तो आप जब जिस कैंप में थे और दूसरी ओर एक बड़ा सा कैंप है जो स्कूल जाओ जो शायद फिल्म में दिखाया गया है जहाँ पर रंजीत कटियाल का जो कैरेक्टर है और जो लोग उनके साथ में जुड़े हैं वो दिखाए जा रहे तो उनके साथ में आपका कोई uh, नहीं बिल्कुल था? नहीं नहीं वन ऑफ देम हैव अ कांटेक्ट हम उनसे पूछ रहे थे कि कैसे इंडियन एम्बेसी uh, को कांटेक्ट करके क्या कैसे क्या करें लाइक यू नो सो दे गिव अस एन आइडिया कि यही है लाइक यू नो यू टेक अ बस एंड गेट आउट बिकॉज दैट इज़ वॉट वर ऑल्सो डूइंग तो मतलब जॉर्डन जाने का जब वो हुआ बिकॉज ये हो रहा है कि बीच में जो सरकारी अधिकारी है जिनसे बातें हो रही है जिनसे ट्राई किया जा रहा है जॉर्डन थ्रू फिर वहाँ पर मतलब उन लोगों को इंडियंस को वहाँ से फिर यू नो वहाँ से इवेकुएट uh, करने की जो क्रिया है वो जब जब तक ये सब तैयारियां हो रही थी बीच में बहुत सारी चीजें जो है yeah. कुछ लोगों ने ये बात ऑफ पीपल हु जस्ट जस्ट एस्केप्ड एंड देन दे हैव टू बी स्टॉप्ड एट जॉर्डन बिकॉज़ यू कैन नॉट एंटर एनी अदर वी आपसे पूछना था कि आपका वो जो ट्रैवल था टिलेट बॉर्डर वो लाइक like, ठीक गया था तो नहीं थे नहीं, थे में। तो हर, हर इसमें थे चेक uh, hmm. तो पोस्ट तो, no uh, तो, hmm. तो थी बट hmm. वही पता नहीं मे भी पिछले क्रम मेरे अच्छे थे या hmm. जो भी है लाइक यू नो हाँ तो निकल गए एंड देन इन बिटवीन वी हैड टू गिव सम मनी सो उसके लिए जो पैसे बचे थे तो वो काम में आए लाइक यू नो सो वी वी काइंड ऑफ यू नो वर मेड अवेयर एंड मेरे ख्याल में वो वो जो बायस थे हु वॉज एट दैट कैम्प ही गेव अ सम इनसाइड ऑफ लाइक यू नो वॉट कुड हैपन लाइक हालांकि ये नहीं था कि सबको एक्सपीरियंस था कि so, कोई कंट्री hmm. में लेके जस्ट सेट कीप सम मनी ऑलवेज मेरे को भी लगता है सैंडी, कहीं ना कहीं उस फिल्म में जो चीज़ अभी दिखाई जा रही है और आपसे बात करने के बाद में वही है कि क्योंकि आपको अपने ग्रुप के बारे में मालूम था आपको वहां से निकलना है लेकिन शायद वो जो अरेंजमेंट्स है जो सरकारी अधिकारियों से बात करना वो जो एंट्री uh, दिलाना और वो जो बॉर्डर क्रॉस करने वाली वो जो कम्युनिकेशन जो है वो उस उस लेवल पर कहीं ना कहीं हो रहा था और ये कोशिश जारी थी जो उस रंजीत कटियाल के uh, you know, में बिल्कुल और ये बिकॉज इट्स सच अग कैट्राफी टू ओपन कंट्रीज टाइम लगेगा एंड प्रॉब्ली दैट इज वॉट हैपे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स डिड नो Uh, killing and this thing, and then uh, before we left, we also heard uh, saying there was a Fiji foot up and with a board on the thing saying next could be Indians because some ministry made some statement which was not uh, relevant to the situation. Mm -hmm. So things like yeah, you know, and maybe media does bring out something which yes. is not relevant. It mm -hmm. becomes a headache for the people who are actually on the ground there. Mm -hmm. But uh, end of the day, like, you know, uh, yes, Indian government did a very good job. Like, you know, it's a massive. Imagine a 170,000 And that too, like, you cannot do it from the base where they are. Yeah. It needs to be done from another country mm. where the resources are not so great. Like, jab hum, uh, like you know, we reached the Jordan camp, we were straight pushed into the Red Cross uh, camp because you could not a enter the country straight up. Mm. So, uh, this was in between Iraq and Jordan, which they call as a no man's land or whatever. इज़ द प्लेस वेयर बी बस स्टेशन फॉर आई थिंक थ्री और फोर नाइट्स तब जाके एंड एवरी कैम्प लाइक यू नो को एक, एक नंबर दिया गया था एंड दे फाउंड आउट इन वन कैम्प कितने लोग हैं लाइक यू नो क्या टीम साइज है एंड ऑल दैट बेस्ड ऑन दैट दे मेड दोज पेपर्स तो पेपर्स बन के आने में हमको टाइम लग गया तो आपके ग्रुप में जो लोग थे सब के पासपोर्ट्स मिल गए थे जी बिल्कुल सब के मिल गए थे तो मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों के पासपोर्ट्स वहाँ पर बनाने ना, पड़े ना। थे एंड द अदर थिंग विच विच वॉज लाइक यू नो एक्सपेक्टेड कि वो जब हम जॉर्डन पहुँचने के बाद जो हम वहाँ से जब निकले तो जितना सामान समेट सकते थे समेट लिया लाइक यू नो मे बी टू बैग्स थ्री बैग्स जो भी आप बोलो लाइक यू नो जो हमको पता भी नहीं था ना क्या ले जाना है क्या छोड़ना है लेकिन like, hmm. you know, छोड़ के तो मतलब भी नहीं, नहीं था क्योंकि वहाँ वापस आने के बाद कुछ नहीं मिलना है सो so, सब सब ने जो जो है समेट लिया एंड देन वी टोल्ड एट जॉर्डन एट द कैंप दैट यू आर अलाउड टू टेक ओनली वन बैग नो सो दैट दैट वॉज बिकमिंग टू डिफ़िकल्ट ले जाए क्या और छोड़े क्या देखिए नॉट अ लाइक डिफिकल्ट इन देंस लाइक किसी किसी ने जैसे जो वर्कर्स थे तीन तीन चार चार साल गए नहीं थे हाँ यू कैन इमेजिन उन्होंने कितने सामान लाइक ला रखा होगा So, तो एक तो वो स्थिति थी कि मतलब क्राइसिस वाली दूसरा जिन जिन्होंने इतने मेहनत से मतलब जो चीज़ें पूंजी कमाई थी जो चीज़ें सामान लिए थे वो ले जाने की कोशिश कर रहे वो नहीं चलो कुछ भी लेकिन इतना तो हम कहना चाहेंगे कि लोगों की सामानी बट वही फिर कैम्प में हम लोग थे लाइक अब कैम्प में पूरा दिन पड़े रहने से कुछ मतलब नहीं पड़ता तो वी हेल्पिंग द रेड क्रॉस पीपल क्योंकि okay. किसी भी तरह अपने दिमाग को भी डाइवर्ट करना, करना है ना सो देन वी वेंट अराउंड और वहाँ पर हालत ऐसी थी कि दिन में इतनी धूप इतनी धूप और रात को उतनी सर्दी सो इट इज़ लाइक यू नो दिन में आप mm, कमीज़ वगैरह उतार के चलो और रात को सिकवटने लगते हो अफकोर्स दे गेव ब्लैंकेट दैट एन ऑल बट इट टोटल हार्डशिप लाइक यू नो एंड ऑफ कोर्स यू यू आर नॉट इन एन दैट के आपको आशौराम. इस दौरान ऐसा हुआ कि कभी आपको मतलब खाने को खाने पीने के जो जो चीजें थी वो नहीं था आप लोगों को भूखा रहना पड़ा नहीं भूखा तो बिल्कुल थे लाइक फ्रॉम द टाइम वी लेफ्ट कोम्प में हमको पहली बार थोड़ा बहुत खाना मिला एंड लाइक कीप यू गोइंग लाइक नथिंग फैंसी एंड नॉट यू आर एक्सपेक्टिंग क्योंकि आपका तो बुक तो वैसे भी सबका मर ही मर ही गया था लाइक देर वॉज नो दिस थिंग बट जो मिला लाइक देट वॉज द फर्स्ट टाइम इन प्रॉब्ली टू थ्री डेज वी गॉट समथिंग टू ईट और उसके बाद जब हमारा नंबर आया बिकॉज एवरी एवरी डिटेल विच वेकन एंड देन देव यूज टू प्रोसेस दैट एंड कम बैक एंड uh, वहाँ पे जॉर्डन एयरपोर्ट में ले जाते थे बिकॉज विच इज़ अनदर आइव एंड अगेन यू आर फुट इन अ क्यू ऐसा नहीं कि आप सीधे आए एयरपोर्ट गए और फ्लाइट आइए और गए लाइक यू नोट सो देर इज़ अ यूज सर्पन टाइम क्यू लाइक इट कुड बी टेन्स ऑफ थाउजेंीपल इन द क्यू एंड यू हैव टू वेट इन दैट क्यू तो उसमें तीन चार दिन गया बिकॉज ईच फ्लाइट आईज यू कुड सी द फ्लाइट कमिंग एंड टेकिंग ऑफ तो दिन में दो या तीन फ्लाइट उड़ाए थे सो ईच फ्लाइट वुड टेक अबाउट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री हंड्रेड पीपल उस आज तो बड़ी एयरक्राफ्ट हैं उस टाइम उस में तो वो भी नहीं थी तो इट वॉज़ आई डों नो लाइक टू कैवर टेक एंड क्योंकि नंबर्स इतने थे ना टू मैनेज इट वो भी एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है जब आप इतने पास आ जाते जाते हो मतलब आपको लग रहा है एयरपोर्ट पर आप हैं और आपको अपना परिवार सब कुछ दिखने लगता है और उस टाइम पर भी आपका नंबर जब नहीं आता वो भी एक बहुत नहीं वो सी दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग क्योंकि हम लोग ठीक है एक हद तक हम लाइन में लगे थे एंड लाइक यू नो नो वी वर टोल्ड टू बी इन द लाइन एंड दिस इश्यूज इज दैट लेकिन आफ्टर आई थिंक थर्ड डे आफ्टरनून से क्योंकि एक तो खाना पीना नहीं था यूर नॉट गिवन एनी फूड और एनी थिंग टॉयलेट की सुविधा नहीं थी एयरपोर्ट में एक एक का टॉयलेट ही था विच बिकेम चौको ब्लॉक अभी समझो कि दस बारह हज़ार में दो तीन टॉयलेट हो तो क्या हालत होगी सो सो दैट वॉज वन मेजर इशू विच वी हैड और फिर उस तीसरे दिन या मेरे ख्याल में चौथा दिन आई एम नॉट वेरी श्योर उस दौरान दोपहर से वी फाउंड आउट लाइक सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशल्स पार्ट ऑफ द एम्बेसी और आई डोंट नो वो अपना एक ग्रुप पहले भेजने के चक्कर में थे अच्छा उनकी which, अलग से एक प्रायोरिटी हाँ, लिस्ट बनी हुई so, थी। तो दैट दैट कॉस्ट इनफ कमोशन क्योंकि हम लोग फिर इतने तीन चार रोज से यहाँ लाइन में लगे हैं लाइक यू नो इट्स डे एंड नाइट ऐसा नहीं कि आप हाँ आप ऐसा नहीं कि आप दिन में लाइन में खड़े रहो रात को घर जाके सोके फिर आना अगले वही दिन वहीं वही 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 पे बट यू आर देयर ओनली देन द लाइन डिन नॉट मूव आफ्टर अ टाइम यू नो जो पहले एक दो दिन चल रही थी गाड़ी वो एकदम से ठप हो गई बिकॉज बाय देन मैनी पीपल स्टार्टेड कमिंग अच्छा सो फिर हल्ला और लाइक यू नो चिल्लम चिल्लाने लग गए हम लोग एंड देन मैटर स्टार्टेड बिकमिंग गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल और तब जाके हमको uh, खाना उस दिन रात को कुछ सात बजे मिला हमको वन वी वर अबाउट दो किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट कॉनकोर्स लाइक जिस mm -hmm. के अंदर आप जाते हो तब जाके खाना मिला And uh, after that we checked in our check-in was very uh, strict of course case if one bag will be allowed so they went through that one bag uh, scenario boarding passes melee and then we were uh, made to sit in the lounge or lounge like you know which within a span of two three hours you got to eat so much but, किसी को तभी भी ये नहीं सूझ नहीं थी बिकॉज तब हमारा फोकस था कि ठीक है अभी यहाँ तक तो बच के आ गए अब दे लाइक वी वो कॉन्फिडेंट के वहाँ से हमको घर जाने मिलेगा अभी बट अगेन एयरपोर्ट से हमने कोशिश की फ़ोन करके बताने बट फ्रॉम देयर ऑल्सो वे कॉन्फकोर्स ऑफिशियल स्टूडेंट अलाव ऑल्सो क्योंकि एक बंदे को अगर छोड़ेगा इतने भीड़ है लाइक यू नो तो आखिरकार जब एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स आई और इसके साथ साथ में जो सरकारी फ्लाइट्स आई जिसमें लोगों को आप लोगों को ले जाया गया आ, मुंबई है मेरे ख्याल से हाँ हम लोग मुंबई मुंबई तो मुंबई जाकर जब आप वहाँ पर उतरे तो मतलब पहला कॉल जो आपने किया और, See, first, what, like, we, uh, जैसे उतरे तो फर्स्ट मैंने घर पे ही फोन किया बट बट देन मम्मी से जब बात हुई अभी भी मुझे याद है एंड शी वाज स्पीचलेस लाइक यू नो उनको तो आ, ये भी नहीं हुआ तो पहले क्वेश्चन सब लोग वही पूछा मेरे सिस्टर थी डैडी थे कि तुम हो कहाँ अब ना क्योंकि एक टाइम के बाद जैसे मैंने पहले बताया लाइक दे दे टोटली स्विच देमसेल्फ सेल्फ ऑफ फ्रॉम दिस थिंग बिल्डिंग में हो पड़ोसी हो हमारे रिश्तेदार सबके मुँह में यही था कि कुछ खबर आई कि कुछ खबर आई लाइक यू नो दैट वाज और हम भी जब वहाँ थे लाइक यू नो इफ़ आई लाइक आई आई एम श्योर मेरे जितने भी साथी मेरे साथ थे सब क्या, एक ही ये था कि घर वाले क्या लाइक like, हम पहुँचेंगे या नहीं लाइक यू नो वी केम टू सच अच्एशन के कब जाएंगे या नहीं लाइक like, नो you know, और ये भी था डर बोलो या लाइक like, जो जो हम देखते हुए आए थे लाइक यू नो स्ट्रे बुलेट कैन हिट यू एनी वे या फिर कहीं uh, से कुछ बस एक्सीडेंट हो गया या यू आर ड्राइविंग एट पिच डार्क ऐसे नहीं कि वेल लिट रोड्स हैं यू डोंट इवन नो वेदर यू आर ड्राइविंग टू अ डेसर्ट और अ रोड और हाई और क्या तो so, कहीं खाई में अगर कुछ गिर गया ना like, you know, फिर बाद में तो आपको पता करने वाला कोई नहीं है सो वो कमिंग बैक जब बॉम्बे में उतर के हम लोग सब ने फ़ोन किया लाइक यू नो आई मेड एट पॉइंट लाइक सब मेरे जो साथी थे उनको भी फ़ोन करवाया एंड देन लकीली महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस टाइम में दे हैड मेड अरेंजमेंट्स के जो आते हैं दिल गिव सम फिनंशियल असिस्टेंस तो उस उस mm -hmm. क्यू में फिर हम जुट गए बिकॉज इन बंदों को गांव जाने तक के लिए भी पैसे चाहिए थे ना बट द रेलवेज आई थिंक दे ऑल्सो मेड सम प्रोविजन टू इश्यू फ्री टिकट या समथिंग विच यू कुड डू इट एट द एयरपोर्ट एंड फिर इनको सबको मैंने फिर एयरपोर्ट एयरपोर्ट से uh, मुंबई के स्टेशन में छोड़ा उनको वहाँ बिठाया खाना वाना खिलाया फिर उनको बोला कि आप लोग यहाँ बैठो क्योंकि उनका ट्रेन रात को नौ बजे था मैं बोला अब मैं घर जाके आता हूँ ना बिकॉज आई सेड नाउ फ्रॉम यर ऑन योल शुड बी ओके यूल हैव कम यर तो अभी फ़िक्र नहीं करना मैं घर जाके आता हूँ ताकि मैं भी मेरे पेरेंट्स को मिल लूँ लाइक like, फिर मैं घर गया एंड फ्रेश एन अप हो फिर एक रात को फिर इनके पास जाके ट्रेन चढ़ा के तब जाके लाइक यू नो एक एक आ, ये लगा कि हाँ ओके okay, एक कम बैक आफ्टर सच थिंग तो टोटल तो 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 आपको याद है मतलब कितने दिन आप वहाँ पर थे मेरे अंदाज में अगर कहूँ तो आई थिंक वी हैव बीन देर मोर देन फोर्टी फाइव फिफ्टी डेज बिकॉज मेरे uh, आने के बाद आई थिंक टू वीक्स लेटर और थ्री वीक्स लेटर बस सपोज टू बी दिवाली सो August second से I think I came back probably September fifteenth or twentieth इतना मेरे को याद नहीं है but uh, yeah that was uh, thing फिर जब अगले दिन हम लोग अब मैं office गया like uh, everyone could not believe कि मैं आया हूँ क्योंकि उनको भी खबर नहीं थी but they were also uh, this thing फिर uh, हमारे director ने बुलाया and like you know we spent some time and then वही था लाइक क्या बोलते हैं मैं कभी भी अभी भी सोचता हूं तो लाइक गोस बम्स आते हैं आंसू आ जाते हैं लाइक एवरीथिंग आई इट जस्ट दिस थिंग एंड आई एम श्योर कल या पर, कल मैं मूवी देखने जाऊंगा इट इज गोइंग टू ट्रिगर समथिंग मोर ऑफ कोर्स या बिकॉज आप तो उस मोमेंट को आपने जिया जी, है जी जी हम दर्शक तो उस फिल्म को देखकर मतलब एक लेवल तक ही एहसास कर सकते हैं कि लोगों के साथ में क्या हुआ होगा yeah, लेकिन भिल्कुण आप भिल्कुण तो थे उस वक्त yeah, पर एंड आई एम श्योर क्योंकि स्क्रीन प्ले एंड अदर थिंग्स यू हैव टू मेक इट एंड मूवी यू हैव टू ऐड दैट कॉस्मेटिक एंड थोड़े बहुत इट कैन नॉट बी अ कॉपी कट एंड पेस्ट है न सो बट जितनी रिव्यू मैंने पढ़ी है सुनी है एंड आई एम श्योर इट गोइंग Movie, yes, actually, uh, in fact, जितना हमने आपसे सुना है जहाँ पे आपने मूवी देखी भी नहीं है एंड uh, अभी काफी रिलेट कर पा रहे हैं मूवी के साथ। because हम दोनों ने वो फिल्म देखी है और आप जो बता रहे हैं अब लग रहा है कि हम लोगों ने बिहाइंड सीन्स जो है वो चीज़ शायद जो मतलब फिल्म में है लेकिन वो जो बस में सफर करना वो सफर के बीच-बीच में वो जो कैंप में होना एयरपोर्ट में होना मतलब वो, वो जो छोटी-छोटी चीजें yeah, जो है ये that, आपने बहुत ही मतलब yeah, स्पष्ट कर दिया दैट इज व्हाट प्रोबब्ली लाइक कैबोले लाइक हैज मेड मी अ काइंड ऑफ ग्राउंडेड मैं बोलूं बिकॉज़ mm -hmm. uh, जैसे हमने पहले बात किया मैंने मौत और जिंदगी को बहुत करीब से देखा है बिल्कुल यू Those are uh, those moments which cannot be taken away from my memories. Uh, I don't know. That's, that's one thing. When, uh, when I was having a chat with uh, Roshila. Like, of course, Roshila knew earlier also that. But when we then uh, it triggered and bully you know, you should share this. Uh, this is something I said, no, but this is something which I have experienced, which is लेकिन वो चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं इससे मैं ये समझता हूँ और शायद ये फिल्म भी यही दिखाने की कोशिश कर सकती है या ये कर रही है और आपका इंटरव्यू जो आज यहाँ पर हमें फिल्म की स्टूडियो में हम कर रहे हैं इसके पीछे है हमारा एक ही मकसद है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो राम मयर जी Uh, मतलब अगर बंदा सही दिशा में बढ़े और अगर कोशिश साथ मिलकर एकता एकजुट होकर किया बिल्कुल जाए, see, तो सफलता मिल सकती है किसी भी परिस्थिति से yeah, निकला जा सकता no, है नो डाउट अबाउट हमको वो भी ध्यान uh, में रखना है लाइक यू नो इन एवर सिचुएशन ठीक है यू आर दैट सिचुएशन और जैसे दो अगस्त को हुआ लाइक यू नो यू कॉट अनअवेयर लाइक like, कोई आपको चेतावनी नहीं जी. कोई ये इतनी सी भी है भनक नहीं पड़ी एंड देन सडनली लाइक यू नो टिल फ्यू आवर्स बिफोर यू हैड द होल होल वर्ल्ड एंड सडनली यू आर अलोन स्टक इन अ कैम्प सो बट यू हैव टू समथिंग वो वैन यू आर पुट इन दैट सिचुएशन आई थिंक भगवान वो भी करता है कि आपको हिम्मत कहीं से भी दे, दे देता है लाइक यू टेस्टेड द लिमिट्स बट ही लीव लाइक यू नो गाइडेंस नहीं छोड़ते हैं लाइक यू नो क्या बोलते हैं ऑलवेज uh, अ ना वो ऊपर वाला की लाठी में आवाज नहीं mm -hmm. होती लाइक बट देन ही इज देयर टू ऑफ कोर्स गाइड यू एंड टेक केयर ऑफ यू सो वल well, रामेर जी आपसे इतनी सारी बातें हुई मतलब आ, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज उन एक लाख सत्तर हज़ार लोगों में से आप भी एक थे वो आज हमारे स्टूडियोज़ में हैं और आपसे हमने इसके बारे में बात की है इनाम से कि आप एज एन इंडिविजुअल मतलब एक इंसान तो है ही लेकिन ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा काम आपने किया है जैसे कहीं ना कहीं फिल्म में दिखाया गया है कि रंजीत कटियाल है वैसे ही आप ही एक, ही एक हीरो है क्योंकि आपके अलावा वो जो दो अन्य जो सुपरवाइजर्स थे जो लोग थे आपने अपने बारे में ना सोचा बल्कि उन लोगों के बारे में सोचा एकजुट होकर एक, जुट हो कर, एक साथ आप निकल सकते थे निकल सकते बिल्कुल yeah, yeah, नहीं लेकिन वो होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी जो सामाजिक समस्याएं होती है हमेशा हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में मुलझे रहते हैं कि, कि किस जात का बंदा है ये हमारा अपना है ये नहीं है लेकिन ऐसे सिचुएशन में एक चीज तो भारतीय लोगों ने मतलब हम सब भारतीयों ने या उस टाइम पर जो आप लोग थे ये सिद्ध कर दिया है कि मतलब ये जो चीजें हैं ठीक है अपनी अपनी जगह है लेकिन समय आ पर हाँ, हम सब एक साथ हो जाते हैं जो भी है, मतलब एक बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके I think हमारे जो हैं जो हमारे फेसबुक के दर्शक हैं, जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स uh, हैं, दुनिया भर के जो लोग जो इस वीडियो को देखेंगे और जो इस uh, uh, मतलब इंटरव्यू को सुनेंगे आई थिंक दे वुड बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू एक्सपीरियंस देखो आगे किस्मत क्या करती है किस मोड़ पे लेके आती है थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सो आज yeah. राम अयर जी से हम बातें कर रहे थे और uh, इसी के साथ साथ में इस प्रोग्राम की समाप्ति पे हम पहुंच चुके हैं तो राम अयर जी आज आप पहली मर्तबा यहाँ आए आगे भी आपका जरूर आना यहाँ पर होगा शायद इस कारण से नहीं तो किसी और कारण से आ, <laughs> ये बहुत ही बड़े प्रमोटर भी है और <laughs> आ, मतलब बड़े बड़े स्टार्स के साथ में शोज वगैरह को लेकर ये काम भी करते हैं तो आने वाले समय में देखते हैं न्यूजीलैंड में आ, अगर आप कोई कलाकार लेकर आते तो आपके साथ में और भी आ, काम करेंगे और मुलाकात करके अच्छा <laughs>